मसाइल पैसों से हल होते हैं। अब तुम जैसी मुखियर औरत पहले जैसी औरत की मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा? पैसे आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। घर के खर्चे तुम्हारी वजह से बढ़े, मेरा तो मुशायरों से गुजारा हो रहा है। जी बिल्कुल, वो खर्चे जो मेरी वजह से बढ़े हुए उनके पैसे आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं अभी वापस नहीं आ रही। सोच लो, पछताना ना पड़े। अहमद सरिया, मैं उजलत में फैसले नहीं करती, और जब करती हूं तो पछताती नहीं। मेरा काम तो तुम्हें समझाना, ताकि तुम्हारी मर्जी। अहमद, हाँ वो लॉन्ड्री वाले का नंबर भी। अहमद, रात के सारे ए स्टार्स आए हैं सेमीफाइनल्स में, सारे ए स्टार्स। बाप पे क्या है? कब तक निभाए बुतनाशना के साथ, कीजे वफा कहां तलक उस बेवफा के साथ, पाला पड़ा है हम है। मैंने तुझे मना भी किया था ना, तो फिर बुकिंग कराया? खालू ने इसरार किया था तो कराया था। बासु, तो अहमद जरे आपको जानता है, वो जो शायर है? जी। बैठ। मैं उसे कॉलेज के जमाने से जानती हूँ। मैं तुम्हारी हुस्ना की मैडम ताबिंदा, उसकी बीवी अदीला, और एक और हुआ करती थी, कुकू कुकू कहा करते थे हम उसे, उसका नाम रक्षंदा था। हम सब एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, तीन चार सब्जेक्ट्स कॉमन थे हमारे। अच्छा जी। जी, उस वक्त भी बड़ा ही मशहूर हुआ करता था ये। हम चारों से अच्छी दुआ सलाम थी उसकी, तुम जानते हो ना वो उम्र कैसी होती है। हम भी ख्वाब देखते थे, पागल थे, और ख्वाब कब कहानियां बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। रक्षंदा की माँ को पता चला तो उसकी जबरदस्ती शादी करा दी गई। और फिर? फिर मैं ताबिंदा अदीला, अदीला मेडिकल कॉलेज चली गई, ताबिंदा कॉलेज में लेक्चरर लग गई, मैं महकमा तालीम में आ गई। मैं तो भूल भाल गई, लेकिन ताबिंदा अपने कॉलेज के हर फंक्शन में आज भी बुलाती है उसे। फिर क्या हुआ? बताती हूँ, इतना बेसब्रा क्यों हो रहा है। फिर उसने अदीला से शादी कर ली, डॉक्टर बन गई थी ना, स्टेटस तो उसका पहले से ही बहुत हाई फाई था।
हमारी तो शादी की उम्र ही गुजर गई, मैं तो भूल ही गई। उसके बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं हो सकी। बहुत सालों बाद उससे देखी, बिल्कुल नहीं बदली, जरा भी नहीं बदली। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मुझे कुछ कुछ आपकी बात समझ में आ रही है। अहमद ज़रिया, आप हुस्ना के शायरी के टीचर और मिस ताबिंदा हुस्ना के टीचर। मैं तो ये सोच रही थी कि तुम दोस्ती में हुस्ना की मदद करो और कोई ड्रामा रचा रहे, लेकिन तुम तो वाकई संजीदा हो। शादी करना चाहते? मैं सच में संजीत हूँ। तुम्हें याद उस दिन जब हम बाजार से आए थे, मैंने उसको अपनी आंखों के सामने देखा है, इधर गाड़ी के सामने खड़ा था उसकी खिड़की के नीचे। पहली दफा नहीं देखा, बहुत पहले भी देखा और बार बार देखा, एक बार देखा। शादीबा जी, वो हुस्ना के उस्ताद हैं और हुस्ना को ये सारी शोहरत उनकी वजह से तो मिली है। मैं अहमद ज़रियाब को अच्छी तरह से जानती हूँ, रोगे किसी दिन। शादीबा जी, हो सकता है कि वो उस वक्त ऐसे हों और हुस्ना तो वैसे भी उनसे बहुत छोटी है। और आपको पता है कि हुस्ना ने हमारी मंगनी का ऐलान कर दिया। जी ये देख, मंगनी तो आप कर रहे हैं, जरा वाजे कर दीजिए कि किससे कर रही है, वरना देखने वालों को कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है, सब लोगों को गेस करना पड़ेगा कि किससे कर रही हूँ मंगनी। आप लोग लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट करके बताएं कि किससे। उसके वकील का फोन आया था, आज मैं भी अदीला से मिला था। अच्छा, क्या कह रही थी? बहुत फिक्र है इसे तुम्हारी। कह रही थी कि पहले बहनी के मसाइल हल करो, फिर आऊंगी। लेने गए थे उसे? जाहिर है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चों की माँ है, किसी तुम जैसी की वजह से घर छोड़कर चली गई है। तब अपना बसा बसाया घर तो नहीं खराब करूंगा। फिर बना लिया? कोशिश की थी, अगर दूसरी औरत घर पर हो तो कैसे आएगी बीवी? तो अब मैं कहां जाऊं? जाने को कौन कह रहा है, मगर ये जो तुम्हारा शुगर लेता,
बिना सोचे समझे मैसेज भेज दिया, उसने देख लिया, इसलिए नहीं आई हूँ। सीरियसली, वो तो जैसे जानती नहीं है आपको, उसे तो मालूम ही नहीं है। पुराने शोगल है आपके, बिला वजह में मुझे मुर्द इंसान मत ठहरा। बात तो बताओ, ये तुम दोनों एक दूसरे को इतना सपोर्ट क्यों करती हो, इतनी हमदर्द क्यों एक दूसरे के लिए? यार से बात हुई थी, रिजवी साहब का ऐसा पत्ता कटेगा कि याद करेंगे। बड़ा चलता पड़ता है, इस्तेमाल कर रही हूँ मैं भी उसको आपके लिए। करती रहो, कौन रोक रहा है तुम्हें? से बताओ कि लॉयर से बात हुई? लॉयर कहता है कि वो तलाक देना चाहता। चुप। तो तुमने क्या कहा? कल का देता आज थे, मैं भी इस बरसख में लटकना नहीं चाहती। तो उसके बाद क्या करोगी? हाँ बता। ईमेल आई? चेक करो, भेज दे। Thank you so much. I'm so happy. You actually did it. भाई जहे नसीब, जहे नसीब, आज तो हमारे भक्त ही खुल गए। वक्त तो नहीं खुले, अलबत्ता पोल जरूर खुल गई आपकी। कैसे? वो ऐसे कि आप मुझे अहमद जरियाब के खिलाफ बहकाने की कोशिश कर रहे थे ना। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों बहकाऊंगा आपको? अच्छा तो फिर ये देखिए, ये रही ईमेल और वो रहा मेरा नाम। अब क्या कहेंगे आप? लिखा हुआ तो है भाई, हमें खबर मिली थी, हमने अमानत समझकर आप तक पहुंचा दी, खुदा का शुक्र है झूठी निकली और आप जा रही हैं खैर से। बिल्कुल, मैं जाऊंगी बल्कि उड़ूंगी अपने पर फैलाकर। और जुल्फिकार ने मुझे जिस पिंजरे में बंद कर रखा था उससे हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी, अपना आसमान अपनी जमीन बनाऊंगी। बहनी साहबा जाइए जाइए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, उड़िए आसमान को छुइए, ऊंचा उड़िए। नवाजिश। इतनी जल्दी भेज दी तस्वीर? क्यों ना भेजते? वायरल कर देगी वो, उसके साथ शहरयार मिला हुआ है, अब वो बात को कोरोना वायरस से जल्दी फैलाता है।
तो आपको डर लगता है वायरल होने से? नहीं, तुम्हारे लिए मुझे डर लगता है। बदनाम कर देगी तुम्हें वो। मुझे अब परवाह नहीं। मुझे तो है, मुझे बहुत परवाह है तुम्हारी नेकनामी की। अच्छा खैर छोड़ो, ये देखो। ये क्या है? देखो, ये तुम्हारी किताब की डमी है। सच? कैसी लगी? बहुत अच्छी है। उसने मुझे प्रपोज किया है, तौबा है। उसने मुझे प्रपोज किया है, तौबा है। सारे शहर में शोर मचा है, तौबा है। भाई वाह 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 वाह। यार मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, बातें बाद में। ये मैं रख लूँ? हाँ, खुदा। मगर कल तो का कलर तो बहुत अच्छा है। जी बहुत अच्छी लग रही है आपके हाथों पे मेहंदी। हेलो हुस्ना, स्पीकर पे है फोन? सैलून में हूँ, मेहंदी लगी हुई है हाथों पे। मैंने आपका और हरियार का टिकटॉक देखा, उसमें वो वो लड़का भी है। क्या नाम है उसका? परवेश। अच्छा लगा ना, कितना वायरल हो रहा है। उसरा, आप इस वक्त आप मुझसे मिलने के लिए आ सकती हैं? अभी एक घंटे में आ सकती हूँ, अभी तो सैलून में। मैं इस कयामत तक फिर एक घंटे के गुजरने का इंतजार करता हूँ। आप तो शिव ले आइए, मैं मुंतजर रहूंगा। जरूर हाजिर होती हूँ। ये आपके मंगेतर हैं? नहीं, फैन है मेरे, फैन। मेरी बेटी की किताब, माशाल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं, मैं सालों की ख्वाहिश, मेरी बेटी की किताब छप रही है। वाह, तुम्हारा नाम कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, खूबसूरत। जहाँ आरा से देखी, जहाँ आरा से देखी। कैसा लग रहा है आपको आपकी बेटी की फाइनली किताब छप रही है? बहुत अच्छा लग रहा है मामा। फाइनली मेरी किताब छप रही है और अब सब कुछ ठीक हो रहा है। हुस्ना की मंगनी हो रही है और मैडम अदीला वो भी अपने घर चली गई। अब मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। क्या मतलब? हुस्ना की मंगनी और अदीला के घर जाने से हमारा कौन सा रास्ता साफ हो रहा है? मामा आप ही तो कहती थी हुस्ना मुझे कभी आगे नहीं निकलने देगी, और अब मंगनी के बाद वो अहमद जरिया आपको उस तरीके से थोड़ी ना कंट्रोल कर सकेगी। और मैडम अदीला भी कुछ खास पसंद नहीं करती थी। क्या हुस्ना किससे मंगनी कर रही है? अरे वो जो उनके घर में लड़का नहीं पड़ा रहता था, बताया तो था आपको,
मैं तो उसे उनका नौकर समझती थी। हुस्ना उससे मंगनी कर रही है। बड़ी चला आ गई हुस्ना। वो तो है, नौकर बना के रखेगी, दबा के रखेगी और अपनी मनमानी करेगी। अरे वो तो है ही बना बनाया नौकर। जहां आ रहा मैं सोचती हूँ कि ये चालाक औरतों के होते हुए तुम जैसी भोली भाली लड़की को अपना मुकाम बनाना कितना मुश्किल हुआ होगा। तो अल्लाह का शुक्र करो कि तुम्हारी किताब छप रही है। अल्लाह का शुक्र है मामा। मामा, so happy for you. माँ सदकी, माशाल्लाह कितना सज रहा है मेरा बच्चा। खाला। हाँ बोल। वो ना छाजोबाजी लंबी लंबी कहानियां सुना रही है तो मुझे ना थोड़ा डर सा लग रहा है। ये जो छाजो है ना, बेड़ा गर्क हो जाए इसका। अल्लाह ने ना इसे दुनिया में बनाकर इसीलिए भेजा है कि ये ऐसी हरकतें करे। वैसे ना मुझे यकीन तो नहीं उनकी बात का, लेकिन मेरा दिल है ना वो ऐसे धड़धड़ कर रहा है। ऐसे ही करता है, दिल धड़धड़ करता है और मेरे पूरे ख्याल भी आते हैं, वसवसे आते हैं, अजीब अजीब से ख्याल भी आते हैं बेटा। लेकिन तू फिक्र ना कर, अल्लाह चाहेगा सब ठीक होगा। हाँ सही है। नाराज हो जाती इस तरह सब चीजें फेंक के भी पहनता। ये लड़का भी ना तौबा है। चलाओ, इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकती, छोटी गाड़ी है। अब मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरे लिए सचमुच की गाड़ी ले लो, सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ, बस अब ज्यादा तेज चलाने लगा हूँ, संभल के बैठो। तुम यही इंतजार करो, मैं आती हूँ। आप
जानू जानू कह दो कि वो वीडियो तुमने सिर्फ लाइक्स के लिए बनाई थी और क्या नाम है उसका पर इस तुम्हारा कुछ नहीं लगता क्या ये सच है सच है मैं हुस्ना ये मेरा मंगेतर है कल हमारी मंगनी होने वाली है वो ये बेहोश हो गया बाहर तशरीफ रखिए प्लीज जी बाहर जाइए प्लीज मेरे सर पे खड़े रहोगे नीचे जाके खड़े हो आती हूं मैं जाओ खुश हैं दोनों ऐसे खुश हैं कि आपको क्या बताऊं मैं तो बस रोज उन दोनों की नजर उतारती हूं बुरे लोगों की नजर भी तो लग जाती है ना कोई सदका खैरात दो अपनी खुशियों में गरीबों को भी शामिल करना चाहिए वैसे ये रुमान भी जोड़ा इस वक्त है कहाँ रात के इस पहर इकट्ठे हैं जहां भी हैं भाई अब वो परवेज की जिम्मेदारी है साथ है दोनों बेटी तो तुम्हारी कहलाएगी जितनी मर्जी जान छुड़ा लो जरा फोन करो परवेज को पता तो करना चाहिए लो वो तो कह रही है कि रابطہ ही मुमकिन नहीं है अभी चलो मेरी तो ना शादी हुई ना मैंने बच्चे देखे लेकिन आप लोगों की तो इकलौती बेटी है ना
आप लोग इतने बेफिक्र क्यों होके फिर रहे हैं? पहले बच्ची को शायरी पे लगा दिया, शायरी तक बात होती तो खैर थी, लेकिन ये अजीब सा लड़का टिकटॉक बनाता है। कल परसों परवेज को खड़ा करके उसके साथ फिर से बना ली एक और वीडियो, तब से ये दोनों गायब हैं। खैर मुझे इससे क्या। देखो दोबारा फोन करो। हो सकता है माँ का नंबर ही ब्लॉक कर लिया। हुस्ना हुसैन हुस्नी जे, हुस्ना हुसैन हुस्नी। शुक्रिया उनको यहाँ लाने का, मुझे फ़ोन करने का। ठीक है, पैनिक अटैक था, विल बी फाइन। मैं उन्हें घर ले जाऊँगी, तुम अपने घर जाओ। तुम्हारा फियांसे भी शायद वेट कर रहा है। मैं उन्हें देख नहीं। सॉरी मेरी बैटरी डेड हो गई थी, तुम कॉल तो नहीं कर रही थी? नहीं मैंने कॉल तो नहीं की तुम्हें। अब कैसे हैं? ठीक है। उनकी बीवी कह रही है कि जाएं। शुक्र है हम पहुंच गए वक्त पे, वरना इतने बूढ़े हैं वो क्या करते। आजकल तो बातचीत भी नहीं होती उनकी बीवी से। उनकी देखो भला लोग समझते हैं इतने मशहूर हैं, अंदर से कितने दुखी हैं ना बेचारे। चलो देख के ठहरे में आती। मिराज भाई साहब की मदद करें जरा उस साइड से। ये आजी साहब आजी। ओह मिराज भाई इधर आए। आया भाई। मिराज भाई ले लीजिए, इसमें दवाइयां हैं और नुस्खा भी है। ठीक है साहब से पूछ के दीजिएगा जी। तो बाजी क्या आप नहीं आ रही? नहीं। मैं मौत के मुंह से निकल कर आया हूं, तुम्हें रुकना चाहिए। आपकी सारी रिपोर्ट्स देख ली हैं, मॉनिटर्स भी चेक कर लिए थे। मेरा ख्याल मैं कुछ देर मजीद अमेरिका ठहरूंगी अभी। Peace.